कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी भी मिली और एक क्वेश्चन भी किया गया कि अहम की लड़ाई में छात्रहित कहाँ पर है, कि 2023 का रिजल्ट हम 2023 अक्टूबर तक हर हालत में दे देंगे, सत्र नियमितीकरण हो जाएगा तब हम कन्वोकेशन कराएंगे, इसको निश्चित रूप में मैंने संज्ञान में लिया। एक कुलपति के नाते भी, अभिभावक के नाते आज भी जो कुछ किया, मैंने छात्र संगठनों को अभिभावक नाते एक निर्देश दिया। BRA विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 4 पदाधिकारियों पर FIR के बाद कुलपति सामने, और आज से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य शुरू कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालय ठप था, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई बंद थी, उसे चालू कर दिया गया। क्या स्थिति है सर आज? जी, आज मैंने छात्र संगठनों से बात की। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी भी मिली और एक क्वेश्चन भी किया गया कि अहम की लड़ाई में छात्रहित कहाँ पर है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को। फिलहाल मैंने सुबह छात्र संगठनों को बुलाया। खास बात यह है कि बाकी लोग राजनीति कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टी से होंगे, ये कहा जा सकता कि BJP के सांसद आए, BJP के पार्षद आए, सभी चीज़ें ठीक रही, लेकिन मैं अपना पक्ष रख दूँ कि हमारी ताकत छात्र शक्ति है। छात्र संगठनों ने स्वतः स्फूर्त इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर एक संगठन बनाया, संयुक्त मोर्चा बनाया, और आपको जानकर ताज्जुब होगा ABVP, AISF, RJD, JDU, LJP और हम जितनी पार्टियां बिहार में हैं, सभी के जो छात्र नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने एक फोरम बनाया और स्ट्राइक आरंभ कर दिया। निश्चित तौर पर अगर छात्र नहीं चाहेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय में पठन पाठन माहौल नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा सहयोग हमारे गैर शैक्षणिक कर्मचारी लोग रहे, जिनको जल्दी हम कुछ दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये कह के बार बार कहते हैं भाई चलिए वो भी शिक्षा से जब आएगा तो होगा, तो उनको जल्दी कुछ मिलता नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनका विश्वास इस बात में था कि मैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अब जो कहता है वही करता है। तो उन लोगों ने भी एक बड़ी सवाल दी सर कि परीक्षा का माहौल चल रहा था, कई विभाग की परीक्षाएं चल रही थी, ऐसे में विश्वविद्यालय और कॉलेज में जी निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था। यही ताजुब मुझे होता है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीर कुंवर सिंह में 236 कार्य दिवस में एक वर्ष के मैंने 115 एग्जाम लिए, उसका रिजल्ट दिया और सेशन पर ट्रिप आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक 89 एग्जामिनेशन मैंने लिए, उसका रिजल्ट आ गया, कुछ कहने वाला है। हमने एक ये भी वादा किया था छात्रों से भी, यहाँ के अभिभावकों से भी, कि हम 2023 और साथ साथ राजभवन से भी कि 2023 का रिजल्ट हम 2023 अक्टूबर तक हर हालत में दे देंगे, सत्र नियमितीकरण हो जाएगा तब हम कन्वोकेशन कराएंगे। अच्छी तरीके से आप लोगों को भी जानकारी से क्लियर हो गया पठन पाठन जी। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अच्छी तरीके सभी चीज़ें चल रही थी, अचानक कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बारे में बार बार दोहराना नहीं उचित है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। जो जितने कार्य दिवस में कार्य नहीं हुए उनको कंपनसेट करने के लिए हम जितनी मेहनत करेंगे और उसका प्रभाव हमारे सत्र नियमितीकरण पर नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, कतई नहीं पड़ेगा। जो कानूनी पहल उसकी जांच समर्थन, जाहिर सी बात है कि जो कानूनी पहलू है वो अपनी जगह पर है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए, सामने वाले को भी जानकारी होनी चाहिए। केवल हमारे कानून जानने से नहीं कुछ हो जाता है, कानून तो वो चीज़ है जिसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि बिहार तक ने भी इस मुहिम को दिखाया था कि छात्रों की हानि हो रही है, परीक्षाएं बाधित हो रही है, इस पर निश्चित तौर पर दिखाया था, उसको निश्चित तौर पर मैंने संज्ञान में लिया। एक कुलपति के नाते भी, एक अभिभावक के नाते भी, आज भी जो कुछ किया मैंने छात्र संगठनों को अभिभावक नाते एक निर्देश दिया, वो आंदोलन बीच रास्ते में तोड़ने के लिए मतलब कतई सहमत नहीं थे। आपने मैंने अभिभावक के तौर पर बाध्य किया, क्योंकि मेरा मान सम्मान या किसी का भी मान सम्मान
छात्र के भविष्य से बढ़कर नहीं हो सकता, किसी की भी कीमत पर नहीं हो सकता। ये छात्र हमारी हमारा भविष्य है, इनका भविष्य मेरा भविष्य है, तो मेरा मान सम्मान क्या है? हमारा मान सम्मान तभी है जब हमारे छात्रों का मान सम्मान सही होगा, जब हमारे छात्रों का भविष्य सही होगा। धन्यवाद। तो बिहार तक ने भी बिहार विश्वविद्यालय को लेकर के मुहिम चलाई थी कि यहाँ पर पठन पाठन बाधित हो चुका है, उसके बाद बीसी ने संज्ञान लेते हुए आज से शैक्षणिक माहौल शुरू कर दिया गया। छात्र संगठनों ने भी जो हड़ताल किया था उसे वापस ले लिया है। बिहार विश्वविद्यालय आज से खुल चुका है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।